Good morning, students. How are you? Fit and fine and healthy. Okay, students. So, students, we have started this chapter number 12, air around us. Okay, in this we had done properties of air. Okay, then what makes air dirty, natural factors and human activities. Then in your live class, I'd explain you why is dirty air bad for us and some measures to protect your ourselves. Okay, so this topic also we have done, students. Today I am going to teach you this topic, what can we do to keep the air clean. Okay, yani ki hum kya kar sakte hain hamari air ko clean karne ke liye ya clean rakhne ke liye. To aap you will take out page number 86. Okay, students, so here we will learn some things or some measures to keep our air clean. Okay, clean air is a necessity. Necessity means it is very important aur ye hamari zarurat hai, hai na. Clean air hogi tabhi to hum healthy rahenge, otherwise hum log bimar pad jayenge. Okay, we have some respiratory problems and lungs problem. Okay, so clean air is a necessity while we protect ourselves from the harmful effects of pollution. Okay, we can try to keep the air clean while we protect ourselves, yani ki jab hum apne aap ko bacha sakte hain, while we protect ourselves from the harmful effect of pollution, we can try to keep the air clean. Okay, we need to plant more trees as trees absorb carbon dioxide present in the air and release oxygen. Students, you know that जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. जो भी हम हमारी जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और जो हम छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. ओके, सो ये जो ट्रीज होते हैं इनका अपोजिट होता है, हम इन ह्यूमन बीइंग से इनका अपोजिट प्रोसीजर होता है. ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सांस में लेते हैं, अंदर लेते हैं, और ये क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. इसीलिए जो ह्यूमंस और ट्रीज, हम कहते हैं ना कि सेव ट्रीज, तो हम जो ट्रीज को सेव कर रहे हैं ये किसी और के लिए नहीं है, हम अपने लिए ट्रीज को सेव कर रहे हैं. अगर ट्रीज होंगे तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, क्योंकि ट्रीज जो है वो ही हमें ऑक्सीजन देते हैं. ठीक है, सो जब हम व्हाइल वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि जब हम अपने आप को हार्मफुल इफेक्ट्स जो है पॉल्यूशन के उससे बचा रहे हैं, तो हम एक और चीज कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू कीप द एयर क्लीन. क्योंकि अगर हम एयर को क्लीन रखेंगे तभी क्या होगा, हम हेल्दी रह पाएंगे. और इसके लिए कुछ टिप्स दी गई हैं जो हम यूज करेंगे या जो हमें अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में. ओके, सो वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन, है ना. यानी कि जो एब्जॉर्ब करना मतलब कि सांस के अंदर लेना, तो जो ट्रीज होते हैं वो क्या सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, छोड़ना यानी कि रिलीज करना, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना. इसीलिए ट्रीज जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें और ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज को लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए. सेव द ट्रीज. ओके, वी शुड अवॉइड बर्निंग ट्रैश ऑन और एग्रीकल्चर स्टबल्स. बेटा मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि एग्रीकल्चर स्टबल्स होते हैं, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था स्टबल बर्निंग, है ना. इसमें क्या होता है, खेत में जब कटाई हो जाती है ना, एग्रीकल्चर जो लैंड होता है वहां पे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारे जो भी जो ग्रेन्स और होते हैं वो सब क्रॉप्स जो होते हैं वो कट कर लेते हैं. उसके बाद में जो थोड़ी घास फूस सी बच जाती है उसे वो क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए वो उसे आग लगा देते हैं. वो हाथ से उन्हें उखाड़ के नहीं निकालते, तो उन्हें वो क्या करते हैं, आग लगा के और उन्हें जला देते हैं. तो ये जो करते हैं इसे क्या कहते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, है ना. और स्टबल बर्निंग से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है ना. तो वी शुड अवॉइड बर्निंग ट्रैश और एग्रीकल्चर स्टबल्स, यानी जो भी ट्रैश यानी जो भी कचरा होता है हम जैसे जला देते हैं ना, तो हमें अवॉइड करना चाहिए ये सब चीजें जलाने से. ना ही तो हमें ट्रैश को जलाना चाहिए, ना ही एग्रीकल्चर स्टबल्स को जलाना चाहिए, या कम से कम जलाना चाहिए. इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है.
ठीक है, वी शुड ऑलवेज टर्न ऑफ द कार इंजन व्हाइल वी वेट फॉर समवन टू अराइव और एट लॉन्ग ट्रैफिक सिग्नल्स। जब भी हम कार में बैठे हो हम, या फिर सिग्नल पे हम कहीं रुके हो, या हम किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई आए अराइव करना, यानी कि हमारी कार में बैठने के लिए आ रहा है, तो हम कभी वेट करते हैं ना, तो या फिर हम सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे भी हम रुक जाते हैं ना, क्योंकि लाइट्स होती तो हमें रुकना होता है, तब भी हमें क्या करना चाहिए, अपने कार का इंजन ऑफ कर देना चाहिए, गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। और जैसे ही आप देखते हो कि ट्रैफिक लाइट में वो जो नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो जब 5 सेकेंड्स या ऐसे कुछ हो बचे हो, तब हमें अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी गाड़ी में जो वेस्ट, फालतू में जो हमारी गाड़ी में इंजन चल रहा था और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रही थी वो नहीं होगी, है ना। फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल वी कैन ऑप्ट टू वॉक और साइकिल। यानी कि जब हम कम, हमें कोई कम डिस्टेंस पे जाना हो, जैसे हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, थोड़ा पास में जाना है, तो अगर हम या तो साइकिल से जा सकते हैं तो साइकिल से जाए, या फिर हमें वॉक करके ही चले जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गाड़ियों का जो पेट्रोल है उसे नहीं जलाना चाहिए। अगर हम गाड़ी को नहीं जलाएंगे तो क्या होगा, इंजन नहीं चलेगा, है ना, और इंजन नहीं चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रिएट नहीं होगा या कम होगा, है ना। तो इसीलिए हमें इंस्टेड ऑफ कार हमें क्या करना चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो तो हमें पैदल ही चले जाना चाहिए। वी कैन ऑप्ट मीन्स ये ऑप्शन है कि या तो आप पैदल चले जाओ या फिर साइकिल पे चले जाओ, टू वॉक और टू साइकिल। We can also use battery operated vehicles. और हम, आप देखते हो कि battery operated bikes भी आजकल आ गई है ना, जिसे हम battery से उसको charge कर सकते हैं, जैसे हम mobile phone को charge करते हैं, और फिर उन गाड़ियों को भी हम, battery operated गाड़ियां होती है वो, उन्हें भी हम चला सकते हैं। इससे भी क्या होता है, जो air pollution है वो कम होगा, है ना। Using public transport and carpools also help in reducing the number of vehicles on road and thus lessens the amount of harmful gases emitted into the air. अब देखिए, using public transport, public transport क्या होता है, जैसे कि ट्रेन है, बसेस है ना, जिसमें बहुत सारे जन एक साथ बैठ के जा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, है ना, उसमें जो धुआं निकलता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन कम होगा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी कार लेके नहीं जाएगा। फिर अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं तो उसमें एक बस में बहुत सारे लोग बैठते हैं ना, तो उससे क्या होता है, फ्यूल भी कम यूज में आएगा और जो पोल्यूशन है वो भी बहुत कम हो जाएगा। एंड कारपूल्स, कारपूल्स, यू नो स्टूडेंट व्हाट इज कारपूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग टैक्सीज में जाते हो ना, स्कूल के बच्चे, एक टैक्सी में 8-10 बच्चे आप लोग चले जाते हो, है ना, तो सेम वैसे ही जब किसी को ऑफिस जाना हो तो ऑफिस के जो भी एम्प्लॉई होते हैं वो भी ऐसे 4-5 जन एक साथ एक कार में जाते हैं, ताकि क्या हो, फ्यूल भी सेव हो और जो पोल्यूशन है वो भी कम से कम हो, इसीलिए कारपूल की जाती है। यानी कि शेयरिंग से जो हम एक कार में एक साथ जाना आना करते हैं उसे कारपूल कहा जाता है। ओके, ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स, इससे क्या होगा, कम ट्रैफिक होगा, भीड़ भी कम होगी, है ना। अदरवाइज क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 जने हैं जो कि ऑफिस जाएंगे, है ना, तो 5 जन अपनी 5 कार ले जाएंगे, है ना, फ्यूल भी उतना ही होगा, 5 जन फ्यूल भी डलाएंगे तो फ्यूल भी वेस्ट होगा, है ना, और क्या होगा कि जो पोल्यूशन वो भी ज्यादा होगा, है ना, 5 times मोर पोल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये लोग मिल के शेयरिंग करके एक ही कार में चले जाते हैं तो एक ही कार जो होगी वो जाएगी, है ना, तो क्या होगा, इससे व्हीकल्स की जो भीड़ होती है वो भी नहीं होगी और पोल्यूशन भी कम से कम होगा। ओके, सो इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल, यानी कि ज्यादा व्हीकल्स भी नहीं दिखेंगे रोड पे, है ना, एंड दस लेसेंस, लेसेंस मींस कम होगा द अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस एमिटेड इनटू द एयर। एमिटेड यानी कि हवा में जो ये कार और चलती है तो जो उसका धुआं आता है ना, स्मोक, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है उसे कहा जाता है, तो ये जो हार्मफुल गैसेस होती है ये भी एमिट नहीं होगी एयर में, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, कार पूल करनी चाहिए, और जहां तक हो सके अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो हमें वॉक करके या फिर साइकिलिंग करके भी हम वहां पे जा सकते हैं, है ना। देन डिओड्रेंट स्प्रेज ऑल्सो एमिट सम अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू द एयर। परफ्यूम जेल्स और लोशंस, रोल ऑन डिओड्रेंट्स एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड इंस्टेड। मींस देखो, जो हम डिओज लगाते हैं ना, डिओड्रेंट स्मेल के लिए, खुशबू के लिए, तो ये भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो एमिट सम अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये भी हवा में एक टाइप का कुछ पॉल्यूटेंट फैलाते हैं, तो
परफ्यूम जेल और लोशंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, थोड़ा सा पोल्यूशन कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनकी बजाय रोल ऑन डिओड्रेंट्स को यूज करना चाहिए, एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड इंस्टेड, इंस्टेड मतलब उसकी जगह पे हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम जो डिओड्रेंट और स्प्रेज यूज करते हैं इसके बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, रोल ऑन डिओड्रेंट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना होगा टू कीप द एयर क्लीन, ये जो फोर मेथड्स इसमें बताए गए ये हमें अपने नॉर्मल लाइफ में यूज करने चाहिए ताकि हम क्या कर सके, कम से कम एयर पोल्यूशन कर सके। सो दिस इज द माइंड मैप, एयर वी ब्रीद है ना, जो हम सांस लेते हैं, फिर यहाँ पे हमने पढ़ी थी एयर की प्रॉपर्टीज, देन पोल्यूशन। सो फर्स्ट वी विल गो टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है एयर की, ऑक्यूपाइड स्पेस, हैज वेट एंड एग्जर्ट प्रेशर, ये एयर की प्रॉपर्टीज है। ओके, देन सेकेंड था पोल्यूशन, तो पोल्यूशन में कितने टाइप के थे, नेचुरल फैक्टर्स थे और ह्यूमन फैक्टर्स थे, है ना, दो दो वजह थी जिससे पोल्यूशन होता है, तो एक तो नेचुरली जो होते हैं वो, एक ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो होते हैं वो। ओके, तो हमने देखा था नेचुरल फैक्टर में क्या होता है, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन, डीकेइंग एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन ह्यूमन फैक्टर्स, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन, insecticide and pesticides, burning of fossil fuels, landfills and garbage disposal, है ना, इन सब की वजह से क्या होता है, human factors हैं जिनसे pollution create होता है। Then अभी जो हमने last में पढ़ा है prevent air pollution, यानी कि अगर हमें air pollution रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इन्हें हम अपना सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा less कर सकते हैं air pollution को। Let's remember there are natural factors like volcanic eruption, forest fires, etc. that add pollutant to the air. Okay, human activities like burning of fossil fuels, driving vehicles, construction and demolition of buildings, etc. cause air pollution. Yes, there are various ways by which we can try to keep the air clean, like planting more trees, driving less by availing carpools, etc. है ना? हम क्या कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे ways हैं जिससे हम air pollution को control कर सकते हैं. They are, we can try to keep the air clean by planting more trees. ज़्यादा से ज़्यादा trees हमें लगाने चाहिए. Driving less, कम से कम drive करना चाहिए. Public transport को use करना चाहिए. And by availing carpools, और carpools को भी हमें use करना चाहिए ताकि हम कम से कम pollution फैला सके, ओके, और जो पोल्यूशन फैल रहा है उसे हम कंट्रोल कर सके। सो स्टूडेंट्स, आई होप टिल हियर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टिल हियर, सो थैंक्स फॉर दिस क्लास, गुड डे।